नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सदस्यों ने जातिगत जनगणना व ओबीसी जनगणना कराने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष शैलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग खुद को बचाने के लिए राहुल के बयान को ओबीसी का अपमान बता रहे हैं, जबकि देश में भाजपा की सरकार में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। ओबीसी मोर्चा ने मांग किया कि देश में जातिगत जनगणना के साथ ओबीसी जनगणना भी कराई जाए, नहीं तो उनको चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। आज किस मामले को लेकर आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग आज जो है कि ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसका पहला चरण 30 मार्च को हो रहा है और ये जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। किन मांगों को लेकर? बीजेपी सरकार द्वारा जानवरों की गिनती करना, ओबीसी की गिनती न कराना ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान। इस अपमान के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन में हमारी मांग है कि राहुल गांधी के द्वारा नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे तमाम जो है कि फ्रॉड भारत से घोटाला करके भगे और उसके एवज में राहुल गांधी को जो है कि सदस्यता निरस्त की गई 2 साल और एक भी भागने वाला जो है ओबीसी का व्यक्ति नहीं है। और आपको बता दें कि ये नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत में जानवरों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती हो गई लेकिन पिछड़ों की गिनती आज तक नहीं हुई। इसको लेके हम लोगों ने 2 बार भारत बंद किया, 25 मई को भारत बंद किया, 9 जनवरी को भारत बंद किया और चरणबद्ध आंदोलन फिर अब हम लोगों ने जो है कि आज 30 मार्च को ये ज्ञापन दे रहे हैं, फिर 17 को 5 को जो है हमारा धरना प्रदर्शन है और फिर इसके बाद 17 को रैली प्रदर्शन है और फिर 30 अप्रैल को हम लोग भारत बंद करेंगे। ये सरकार हम लोगों की गिनती अगर नहीं कराती है तो। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।